दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन गो फर्स्ट के रेजोल्यूशन प्रोफेशन आरपी को विमान के आवश्यक दस्तावेज 14 दिनों के भीतर पट्टादाताओं को सौंपने का निर्देश दिया। इन दस्तावेजों में निष्कासन इंजन का रिकॉर्ड, भंडारण जो एक भंडारण सुविधा में हो सकता है, और विमान की उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए अद्यतन तकनीकी रिकॉर्ड शामिल है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपने विमानों के लिए सुरक्षा सेवा का अनुबंध करने की अनुमति दी और डीजीसीए को नागरिक उड्डयन ब्यूरो के माध्यम से 14 दिनों के भीतर विभिन्न हवाई अड्डों पर सत्यापित सुरक्षा कर्मियों की पहुंच की अनुमति देने की अनुमति दी। विमान के हिस्सों के गुम होने या खराब होने की चिंताओं के बीच पट्टादाता कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं। विदेशी पट्टादाताओं, जिन्हें जमीन पर उतारे गए पट्टे वाले विमानों के केवल छिटपुट निरीक्षण की अनुमति है, ने अदालत में याचिका दायर की है कि गो फर्स्ट को अपने विमानों के रखरखाव और विमान संरक्षण रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया जाए। जवाब में गो फर्स्ट ने मामले पर अपनी प्रारंभिक अदालत में उपस्थिति के दौरान पट्टेदारों की मांगों का विरोध किया। एयरलाइन ने तर्क दिया कि इन अनुरोधों का अनुपालन करना एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी जो इसके पुनरुद्धार को खतरे में डाल सकती है, जैसा कि इसके दिवालियापन अधिकारी शैलेंद्र अजमेरा द्वारा प्रस्तुत कानूनी फाइलिंग में कहा गया है। अजमेरा ने चिंता व्यक्त की कि इन मांगों को पूरा करने से गो फर्स्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा और एक चालू संस्था के रूप में इसके संचालन को जारी रखने की क्षमता पर सीधा असर पड़ सकता है। उन्होंने अदालत से पट्टादाताओं की याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि आवश्यक रिकॉर्ड प्राप्त करना एक संसाधनहन कार्य होगा, जिससे मूल्यवान संसाधनों को परिचालन फिर से शुरू करने के एयरलाइन के प्रयासों से दूर कर दिया जाएगा। पट्टे देने वालों में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विमान पट्टेदार एसएमबीसी के पास गो फर्स्ट के साथ कुछ पट्टे वाले विमान भी हैं। मई में उसने चेतावनी दी थी कि पट्टे पर देने वाली कंपनियों को एयरलाइन के विमानों को पुनः प्राप्त करने से रोकने का भारत का निर्णय विमानन बाजार को बाधित कर सकता है और संभावित रूप से विश्वास संकट पैदा कर सकता है।